इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपनी गैंग के साथ मिलकर फर्जी तरीके से सीबीआई अफसर बनकर लोगों से ठगी की है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आगे भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अभी हमें इंदौर में तो 15 से 20 शिकायतें मिली हैं और उसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि उसमें क्या कितना पेमेंट दिया गया, और हो सकता है इंदौर के बाहर भी अन्य जगहों पे इन्होंने किया हो। ये दिल्ली और कई जगह का इन्होंने स्वीकार भी किया है। इसके अलावा इनसे पूछताछ जारी है। व्यापारी टाइप में जो लोग मेटल्स में काम करते हैं, सिल्वर गोल्ड में, सर जिसके वहाँ पे भी रेड करने जाते होंगे सीबीआई अधिकारी बनके, वो पूछते होंगे कि दस्तावेज बताओ या इस तरह से, तो फिर क्या दस्तावेज बताते हैं? कोई पहचान पत्र वगैरह इनके पास सीबीआई के नाम के फर्जी आई कार्ड भी मिले हैं और इस तरह के कई सील ठप्पे बनाने के इनके औजार मिले हैं, जिसको ये डॉक्यूमेंट पे कोई भी रिसीविंग भी जब देनी होती थी कि आपका पैसा गवर्नमेंट को पहुंच गया है, उसको विश्वास में लेने के लिए ईमेल से भी फर्जी ईमेल से ईमेल करते थे, साथ में वो डॉक्यूमेंट में सील लगा के भी इस तरह से विश्वास में लेते थे। नहीं, ऐसा इसमें कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। सीबीआई चूंकि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और लोगों के माइंड में एक उसकी एक विश्वसनीयता है, और चूंकि ये लोग कई स्टेट्स में ऑपरेट करते थे और सीबीआई चूंकि नेशनल एजेंसी है, तो इसलिए ये आई कार्ड ये लोग कहीं भी उसको यूज कर लेते थे। इसमें हम लोग इनके पूछताछ करेंगे और जहां भी ये स्वीकार करेंगे उनके उन स्टेट्स को हम लोग उचित माध्यम से उनको इन्फॉर्म करेंगे। अगर वो उसको आगे डेवलप करना चाहेंगे तो उसको हम लोग साथ मिलकर डेवलप करेंगे। तो कितने समय से कर रहे हैं लोग ये काम? अभी तक तो इन्होंने स्वीकार किया है कि इंदौर में ये लगभग 6 महीने के अराउंड से थे और उसके पहले अन्य स्टेट्स में भी कई वारदातें कर चुके हैं। नहीं, अभी पूछताछ में दो लोग का ही नाम सामने आया है, विक्रम गोस्वामी और शाहबुद्दीन, और अभी विस्तृत पूछताछ जारी है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।